ऑल राइट right. uh, इसको सॉल्व नहीं किया हम लोग क्यों नहीं हुआ भाई इजी है तो एक्स ग्रेटर देन फोर करो कैसे करेंगे कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा फोर से फोर टू फोर टू इन्फिनेटी बोलो जल्दी से ये पॉइंट है वन पॉइंट फाइव टू दी पार अल्फा फिर इंटू फोर e क्यों होगा फोर क्यों पहले एक्स को सब्सिट्यूट कैसे कर दोगी तुम एक्स टू पार टू माइनस वन ई टू पार माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स टी एक्स इसमें कर सकती हो ये वाला इंटीग्रेशन फिर भी इजी है पता है कैसे इसमें ना वो वाला रूल लगा तुम लो तुम लोग को इंटीग्रेशन पार्ट्स आता है यूवी रूल इंटीग्रेशन पार्ट्स आता है उसमें आ, आई लेट तो आपका यहाँ पे इंटीजर लॉग नहीं है अल्जबरा ये हो गया आपका एंड ये ई तो ये वी वाला पार्ट ये हो जाएगा एंड ये यू वाला पार्ट हो जाएगा ठीक है 1.5 स्क्वायर कितना होता है जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर निकाल लो उसको अंदर रख के ज़रूरत नहीं है हाँ और टू का गामा क्या होगा वन फैक्टोरियल और 1.5 का स्क्वायर क्या होगा टू पॉइंट टू फाइव तो ये बाहर आ गया अंदर ये बचा खाली यू वी रूल में क्या होता था, था बताना तो यू इंटू इंटीग्रेशन वी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू डी एक्स इंटू वी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ये पूरा का डीएक्स जिसको याद नहीं लिख लो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स तो अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स बाहर आ गया और इसको हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे ई टू दी पार एनी को इंटीग्रेट करने के लिए दैट इंटायर थिंग ही होता है तो मैं सीधा लिख रही हूँ ई टू दी पार माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव जीरो टू इन्फिनिटी सॉरी फोर टू इन्फिनिटी माइनस माइनस इंटीग्रेशन फ़ोर से इंफिनिटी एक्स का डिफ्रेंसीशन विल बी वन इन टू इंटीग्रेटिंग वापस से ए टू दी पावर माइनस तो ये माइनस आ जाएगा दोबारा माइनस क्या हो जाएगा ए टू दी पावर माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव डीएक्स माइनस माइनस कैंसिल कर दो सॉल्व करो अब अब आप तुम लोग कर सकते हो खुद से जी कैसे किया हमने अंदर में आपका इंटीग्रेशन है ना अंदर में आपका इंटीग्रेशन है तो इसको सॉल्व करो 2.25 पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स ई टू दी पावर माइनस वन मतलब आप एक्स के वैल्यूज़ बैठा दो इनफाइनाइट डालेंगे तो क्या आएगा ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी मतलब वन बाई ई टू दी पावर इंफिनिटी मतलब वो बात ज़ीरो हो गया फ़ोर डाल दो तो माइनस फोर ई टू दी पावर फोर इंटू वन पॉइंट फाइव कितना होता है सिक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव माइनस ये वाला पार्ट को करो अब माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स डिवाइडेड बाय माइनस वन पॉइंट फाइव एक्स का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर अरे ये भी तो एक है फिर तुम वापस उसको इंटीग्रेट कर रहे ना फोर से इन्फिनिटी अरे तुम्हारे ये था तुम इसको इंटीग्रेट करेगा वापस से एक वन पॉइंट फाइव आएगा ना टू पॉइंट टू फाइव माइनस फोर ई टू दि पार माइनस सिक्स वन पॉइंट फाइव प्लस वापस इन्फिनिटी डालने से तो जीरो हो गया और माइनस माइनस वापस से प्लस हो गया तो ई टू दिप माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फाइव का स्क्वायर ये आएगा शायद इसको सॉल्व करो यू कैन गेट द आंसर तो ये सॉल्वेबल है बट इफ़ आई गिव यू अनदर इंटीग्रल विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बट दिस इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग सो दैट इज़ वाई मैंने जो आपको नोट लिखाया ऑफ काइस्वर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग वो यूज़ करते हैं इसको कंप्लीट कर लो तब तक ठीक है डन अब लिखो लिखो काई ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन थ्री थ्री है ना वो जो मैंने नोट लिखाया था सो टू सॉल्व गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग क्या करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं वेन यू सॉल्व प्रोबेबिलिटीज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते कैसे हैं देखो सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग ऐसे बना के ऐसे काट देते हैं ठीक है काई स्क्वेर काई स्क्वेयर वी वी स्टैंड फॉर लिखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो रूल ऑफ कन्वर्जन क्या होता है अगर x फॉलोज एकदम x के जैसे मत लिखना प्लीज ऐसे करके ऐसे ठीक है समझ रहे हो ऐसे करके काटना है तो x मत लिख देना प्लीज तो अगर मैं बोलती हूं x फॉलोज गामा अल्फा कॉमा लामडा तो इसमें हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो देन से टू लैमडा एक्स टू लैमडा एक्स विल फॉलो गामा नहीं सॉरी विल फॉलो काइ स्क्वायर टू अल्फा अब ये मैंने क्या लिखाया था वी इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो यहां पे यह टू अल्फा क्या हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया तो आप लोग ब्रैकेट में यहाँ लिख लो इट बिकम स्क्वायर स्क्वेर स्क्वेर विथ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू एल्फा टू इन एल्फा इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम Clear हुआ एक चीज और लिख लो हम लोग एक चीज और क्या बोलते हैं अल्फा इक्वल्स वी बाय टू एक तरीके से वही तो है ना ये वी है और ये टू अल्फा है तो बेसिकली आप दोनों को अगर कंपेयर करोगे दिस इज ऑल्सो गिवन इन द टेबल बुक जिसमें आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन है देखो पेज नंबर गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज ढूंढो पेज नंबर ट्वेल्व ऑफ टेबल बुक उसमें नीचे में का स्क्वायर है तो अल्फा इज वी बाई टू एंड लैमडा इज वन बाई टू क्यों क्योंकि देखो एक बार ध्यान दो अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो यहाँ लामडा के जगह पे अगर आप वन बाई टू डालोगे तो वो एक्स हो जाएगा है ना इसीलिए तो ये हम लोग इक्वेशन के लिए तो क्या? अब आप लोग इसका, का का बना सकते हो कैसे बनाएंगे देखो उसमें क्या होता था लामडा टू दीपार अल्फा माइनस लामडा टू दी पार अल्फा ना तो यहाँ हमारे केस में लामडा इज वन बाई टू टू दीपार टू दार वी बाई टू डिवाइडेड बाय गामा ऑफ गामा ऑफ एल्फा मतलब वी बाय टू इन टू एक्स टू दार एल्फा माइनस वन विच इज वॉट वी बाई टू वी बाई टू माइनस हाफ माइनस वन है ना हाफ क्यू ई टू दाइनस ये हो गया तो अब देखो दिस इज नथिंग बट का और का स्क्यर डिस्ट्रीब्यूशन में खाली <coughs> एक ही एक ही पैरामीटर है विच इज वी काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही पैरामीटर है और गामा में कितना पैरामीटर्स है दो क्लियर सो काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा विथ लैमडा इक्वल टू हाफ एंड एल्फा इक्वल टू वी बाय टू मेन वेरियंट अगर हमें निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे ऑल दो हम लोग ना पीडीएफ यूज करते नहीं एक आई स्क्वायर का डायरेक्टली बट ठीक है अगर आपको मीन वेरियंस निकालने बोला जाए तो कैसे मीन क्या होता था गामा का अल्फा बाय लैम्डा तो अल्फा की जगह वी बाय टू और लैम्डा की जगह वन बाई टू क्या आएगा वी आएगा और वेरियंस क्या निकाला था उसका अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर तो अल्फा की जगह पे वी बाय टू एंड लैम्डा स्क्वायर की जगह में वी बाय टू का स्क्वायर मतलब टू वी हो गया क्लियर है देख लो हम लोग ना इसका पी डी एफ यूज़ नहीं करते हम लोग स्क्वायर का पी डी एफ नहीं यूज़ करते ये वाला मेन वेरियंट्स फिर भी यूज़ करते हैं वी यूज़ दिस कन्वर्जन वी यूज़ दिस कन्वर्जन ठीक है चलो अब एक दो क्वेश्चन करो तब क्लैरिटी आ जाएगा इफ़ आई से टॉलोज काईस्क्वायर फाइव डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फॉलोज काई स्क्वायर फाइव डिस्ट्रीब्यूशन कैलक्यूलेट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन सिक्स पॉइंट फाइव आप टेबल बुक में खोलो पेज नंबर वन सिक्सटी फोर से वन सिक्सटी सिक्स में आपको पूरा काई स्क्वायेर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो यूज करना है 164 से 166 हम लोग को ग्रेटर लेस देन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है देखो ऊपर में अगर आप लोग जो डायग्राम बना हुआ होता है ना टेबल बुक में उसमें देखो पीडी सीडीएफ सी का दिया हुआ है वैल्यूज ठीक है तो हमारे केस में वी कितना है हमारे केस में वी फाइफ है ठीक है और x की जगह पे आपको सिक्स पॉइंट विच इज़ कैन यू राइट दिस एज़ वन माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस दैन इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव तो देखो v जहाँ पे आपका फाइव है मतलब ये आएगा आई थिंक पेज नंबर वन सिक्सटी फाइव में और x की जगह पे सिक्स पॉइंट फाइव देखो क्या आ रहा है वन माइनस ज़ीरो पॉइंट क्या रहा है सेवन थ्री नाइन फोर ठीक है ये क्लियर है तो एक बार येस लिखो सब लोग बॉक्स में क्या बोल रहे हो तुम बोल अब अव फॉर ओनली v ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री फॉर v मोड इज एट द ओरिजिन हाँ नहीं ये तुम अभी स्के पे आएंगे समझाऊंगी मैं बाद में क्या है ये इसका आंसर क्या है आया सबका देख लो सिमिलरली अगर मैं अब दूसरा x लेस देन इलेवन पॉइंट एट अब इलेवन पॉइंट एट का देखो नहीं दिया हुआ है दिया। आप लोग को प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू इलेवन पॉइंट फाइव का दे रखा है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू ट्वेल्व का दे रखा है क्या है दोनों बताना जीरो पॉइंट किसका नाइन सिक्स ये v5 लिया ना ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे समथिंग कॉल्ड एज आप लोगों ने सीखा है लीनियर इंटरपोलेशन आप लोगों को क्या क्या गिवन है देखो आप लोगों को 11.5 का वैल्यू गिवन है आप लोग को 12 का वैल्यू गिवन है आप लोग को किसका निकालना है 11.8 का ये आप लोग को नहीं पता तो कैसे कर रहे थे हम लोग इलेवन पॉइंट एट माइनस इलेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व माइनस इलेवन पॉइंट फाइव मतलब आप मान रहे हो कि ये लीनियर है अज्यूम कर रहे हैं ऑल दो होता नहीं है बट अज्यूम कर रहे हैं कि लीनियर है तो कैसे करेंगे देखो बेसिकली दिस डिस्टेंस इज सेम एज दिस डिस्टेंस सो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन एक्स ले लो चलो एक्स नहीं लेते हैं कैपिटल एफ एक्स लो ना सी डी एफ ही है तो ठीक है ना माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव सेवन सेवन डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट नाइन सिक्स फाइव टू माइनस जीरो पॉइंट नाइन फाइव सेवन सेवन क्या आ रहा है बताना ठीक है आंसर बताओ क्या है? वेरी गुड जीरो पॉइंट नाइन सिक्स टू टू शाइशाह वेरी गुड अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई एक्स फॉलोज गामा टू कॉमा थ्री वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन फोर हमने अभी पूरा सॉल्व किया था अब इसको ना इजीली कैसे सॉल्व करेंगे आपका अल्फा टू है लामडा थ्री है आपका अल्फा टू है लामडा थ्री है टू लामडा एक्स फॉलोज का स्क्वेयर टू वी सॉरी टू अल्फा तो हमारे केस में क्या हो जाएगा सिक्स एक्स है ना फॉलोज का स्क्वेर फोर अब क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन फोर निकालने बट हम लोग के पास है सिक्स एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स ग्रेटर देन ट्वेंटी फोर करेंगे प्रोबेबिलिटी ठीक है अब ये जो है ये आपका हो गया नथिंग बट काइ स्क्वायर फोर ग्रेटर देन ट्वेंटी फोर हो गया विच इज ऑल्सो इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी का स्क्वेर लेस देन इक्वल टू ट्वेंटी फोर अब आप लोग टेबल बुक में जाओ वन माइनस टेबल बुक में जब आपका वी फोर है तो एकदम नीचे ट्वेंटी फोर लेस दैन इक्वल टू ट्वेंटी फोर कितना दे रखा है जीरो पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट आंसर चलो एक और क्वेश्चन करूं फाइन प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन फोर अगेन एक और क्वेश्चन में देख के जाती हूँ रुको एक्स फॉलोज गामा थ्री कॉमा हाफ फाइन प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन ट्वेल्व चलो एक सेकेंड रुको करो इसको सॉल्व बोलो क्या होगा पहले वाले का आंसर क्या होगा इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा टू इंटू फोर एक्स टू इंटू फोर एक्स फॉलोज काई स्क्वे टू इंटू थ्री तो ये क्या हो जाएगा एट एक्स फॉलोज काई स्क्वे सिक्स तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन फोर को लिख देंगे प्रोबेबिलिटी एट एक्स ग्रेटर देन थर्टी टू और ये हो जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस दैन इक्वल टू थर्टी टू अब जाके देखो जहाँ पे आपका वी सिक्स है हाँ तो वो वन हो जाएगा वन माइनस वन ये हो जाएगा जीरो मतलब बहुत ही छोटा प्रोबेबिलिटी होगा इसका गोट एट क्योंकि वहां पे अगर कुछ नहीं दे रखे दिस इज पेज नंबर वी क्या है वी सिक्स है तो उसमें देखो लास्ट इज थर्टी ना तो आप इसमें थर्टी में ही दे लोगे इसको भी ठीक है इसका बोलो दिस इज एक्स फॉलोज गामा सिक्स तो ये तो सिंपल है एक्स ग्रेटर देन ट्वेल्व वी सिक्स में जाओ क्या रहे? One minus, zero point. Trust issues है वन माइनस जीरो पॉइंट ट्रस्ट इशूज है मेरे को ठीक है डन बोलो कोई भी डाउट है इसमें देख लो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कर करेंगे या फिर हम लोग कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल आज विच इज अ स्पेशल केस ओनली चलो डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ये कौन सा हो जाएगा फोर एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है लिखो इसमें हम लोग का जो नोटेशन होता है एक्स फॉलोज एक्सपोनेशियल लैमडा होता है एक्चुअल में दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा दिस इज स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ विद इक्वल्स वन तो इसका जो हमारा पी बनेगा गामा का क्या होता था पी क्विकली गामा का पी ढंग से बताओ पीडीएफ बताओ एफएक्स बताओ लैमडा टू दी पार दल्फा लैमडा एल्फा मैंने वन लिखा है तो ये वन रहेगा डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एल्फा तो गामा ऑफ एल्फा मतलब ये वन तो ये आपका वन ही हो जाएगा वन जीरो फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल इज वन फिर एक्स टू दी पार एल्फा माइनस वन तो एक्स टू दन माइनस वन वन हो गया ई टू दर

तो हमारे केस में मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन यस और नो क्योंकि वन बाय लामडा वन बाय लामडा स्क्वायर क्लियर देख लो ठीक है अब इसका अगर मेरे को सी डी एफ डिराइव करना होगा तो सीडीएफ हम लोग कैसे डिराइव करते हैं प्रोबेबिलिटी एक्स लेस इक्वल टू एक्स कैसे निकालते हैं कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं स्टार्ट टू एक्स हमारे केस में स्टार्ट क्या हो जाएगा ये है ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो टू इनफिनिटी तो स्टार्ट वैल्यू जीरो और एंड वैल्यू एक्स और अंदर में आपका पी डी एफ पी डी एफ क्या लिखा है मैंने लामडा ई टू दी पार माइनस लामडा एक्स की जगह एस लिखते हैं जस्ट टू सॉल्व द इंटीग्रेशन करो इसको सॉल्व क्या होगा लामडा ई टू दी पार माइनस लामडा एस डिवाइडेड बाय माइनस लामडा जीरो से एक्स लामडा लामडा कैंसिल एक्स डालो टू दीपा माइनस लैमडा एक्स माइनस जीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा वन तो वन माइनस ई टू दीपा माइनस लामडा एक्स आ है दिस इज योर सी डी एफ ठीक है, एनी डाउट अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी जाओ सब लिखते जाओ मैं ऐसे टाइम पास की नहीं लिखती हूँ लिखते, लिखते जाओ अब देखो एक्सपोन जैसे हमने क्या बोला था पॉइजन इज यूज वाइडली वेन यू आर डूइंग डिस्क्रीट सिमिलरली यहां पे भी आपका एक्सपोनेंशियल इज ऑल्सो यूज वाइडली इन मॉडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक क्लेम अमाउंट्स जब आपके क्लेम अमाउंट आते हैं इट कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो गामा डिस्ट्रीब्यूशन अगेन यूज टू मॉडल क्लेम अमाउंट्स एनी थिंग कमिंग इन ग्रेटर देन जीरो बट आई यूजअली आप लोग देखोगे एक्सपोनेंशियल हम लोग यूज करते हैं फॉर वेटिंग टाइम तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हम लोग जब वेटिंग टाइम निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने कल क्या देखा था अराइवल टाइम कि वन आर में फिफ्टी कॉल्स आ रहे हैं वन आवर में टेन कॉल्स आ रहे हैं तो वन आवर में जो टेन कॉल्स आ रहे हैं वो कैसे मॉडल कर रहे थे पॉइजन टेन वॉट इज द वेटिंग टाइम बिटवीन ईच कॉल दैट वेटिंग टाइम इज मॉडल एक्सपोनेंशियल बिकॉज दैट कैन बी एनी नंबर ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन जीरो इन फ्रैक्शंस बट नंबर ऑफ कॉल्स ऑलवेज हैव टू बी डिस्क्रीट सो वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉल्स वेटिंग टाइम बिटवीन टू बसेज कमिंग इन लेट्स आप बस स्टैंड पे खड़े हो आप बोल रहे हो एक घंटे में तीन बसेस आते हैं वेटिंग टाइम बिटवीन बसेज कंटिन्यूस बसेस तो लिखो वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉल्स टू क्लेम्स कमिंग इन ठीक है दैट्स योर Poison distribution sorry exponential distribution so which is used to model let's suppose ab my question that you question likho claims in a company claims in a company's 24 hour call center company's 24 hour call center occur according to a poison process occur 1 second ruko Rajvi singh can you please share the answer for random variable कैन यू प्लीज कौन सा रैंडम वेरिएबल अच्छा ओ राजवी ठीक है मैं समझ गई तुम कौन सा बोल रहे आई शेद आंसर्स फॉर द रैंडम वेरिएबल शीट ठीक है चलो बीच में सब तुम लोग तो अचानक से कुछ भी कुछ भी बोलते हो मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ क्या कर रहे थे कहाँ पे पहुँच गए थे मतलब मेरे को एक बार टाइम लगता है दब क्या हो रहा है अचानक अचानक क्लेम्स टू अ जनरल इंश्योरेंस क्लेम टू अन्श्योरेंस कंपनीज ट्वेंटी फोर आवर कॉल सेंटर अकर अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विथ रेट थ्री पर आवर with rate 3 per hour calculate the probability calculate the probability that next call next call arrives after arrives after more than half an hour more than half an hour अब एक बार सुन लो इसका थोड़ा x हम लोग let's से suppose ले रहे हैं हम लोग ने क्वेश्चन में क्या बोला 24 आवर कॉल सेंटर है उसमें 3 पर आवर से आपके कॉल्स आ रहे हैं ठीक है क्लेम्स आ रहे हैं अब बताओ नेक्स्ट कॉल आएगा मोर देन हाफ एन आवर बाद अभी एक कॉल आया है अब नेक्स्ट कॉल का वेटिंग टाइम क्या बोल रहे हैं हम हाफ एन आवर होगा तो अराइवल इज पॉइजन एक्स लेट्स सपोज हम लोग बोल रहे हैं एक्स इज द नंबर ऑफ कॉल्स यू गेट इन वन आर विच फॉलोज वॉट पॉइजन वॉट पॉइजन थ्री हेंस जब आपका ऐसा सिचुएशन होता है वे नक्सट फॉलोज पॉइजन थ्री मतलब आप क्या बोल रहे हो एक घंटे में कितने क्लेम्स आएंगे कॉल आएगा या क्लेम्स आएगा जो भी तो वेटिंग टाइम अगर हम लोग अराइवल मॉडल कर रहे हैं पॉइजन से तो हम लोग ये रूल ऑफ थम लेते हैं आप लोग का अभी डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में नहीं है हम लोग रूल ऑफ थम लेते हैं कि हमारा जो वेटिंग टाइम है लेट्स सपोज टी बी द लिखो वेटिंग टाइम टी इज अ रैंडम वेरिएबल टी इज अ रैंडम वेरिएबल ऑफ वेटिंग टाइम बिटवीन टू क्लेम्स ठीक है तो इस केस में हमारा टी विल फॉलो एक्सपोनेंशियल थ्री सो so बेसिकली इसमें क्या हम बोलते हैं रूल ऑफ थम होता है ध्यान से सुनो अगर अराइवल रेट पॉइजन फॉलो कर रहा है अगर अराइवल रेट पॉइजन फॉलो कर रहा है तो हमारा वेटिंग टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल विद द सेम लामडा यहाँ आपका लामडा क्या था थ्री था यहाँ आपका लामडा क्या है थ्री है सो वेन योर अराइवल रेट इज बींग मॉडल्ड यूजिंग पॉइजन अराइवल हम बोल रहे हैं कि ट्रेन आ रहे हैं एक ट्रैक में थ्री पर आवर वॉट इज द वेटिंग टाइम बिटवीन टू ट्रेन फॉलोज एक्सपरशियल विथ पैरामीटर थ्री अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है क्वेश्चन में बोला है कि वेटिंग टाइम शुड बी एटलीस्ट मिनिमम पॉइंट फाइव आर्स वी आर वर्किंग इन आवर्स टू वर्क इन आवर्स ओनली डोंट टेक मिनट्स दीज आर आवर्स ना आप आवर्स में मॉडल कर रहे हो सो टी ग्रेटर देन पॉइंट फाइव अब ग्रेटर देन के लिए हमने ऑलरेडी ऊपर में निकाल रखा था ये वाला ई टू दी पावर माइनस लामडा एक्स या तो ये यूज करो या तो या तो ये मत यूज करो तो आप लोग कैसे करोगे जीरो पॉइंट फाइव से इनफिनिटी है ना क्योंकि टी क्या है एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल क्या है कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर में क्या हो जाएगा लामडा ई टू दाइनस लामडा एक्स टी एक्स विच इज जीरो पॉइंट फाइव टू इन्फिनिटी थ्री ई टू दि पावर माइनस थ्री एक्स डी चलो करो इसको सॉल्व वेरी सिंपल इंटीग्रेशन तो थ्री आपका बाहर आ गया ए टू माइनस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री जीरो पॉइंट फाइव हाँ माइनस थ्री होगा थ्री थ्री कैंसिल ए टू एनीथिंग इन्फिनिटी माइनस में मतलब जीरो हो जाएगा जीरो यहाँ पे माइनस है प्लस ये क्या हो जाएगा ए टू दाइनस थ्री इन टू पॉइंट फाइव विच इज नथिंग बट ए टू द माइनस लामडा जो हम लोग ऊपर में निकाल रहे थे ना ये वाला यही तो आ गया यही तो आ गया क्या होगा बताओ आंसर करके बताओ 1.5 होगा क्या आएगा बोलो वेरी गुड जीरो पॉइंट टू टू वेरी गुड ठीक है डन एनी डाउट क्लियर अब एक प्रॉपर्टी क्विकली प्रूफ करते हैं फिर मैं नेक्स्ट ने समझौर करवा दूंगी वैसे तो इसका प्रॉपर्टी लिखो जैसे हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद होगा मेमरी लेस प्रॉपर्टी प्रूफ किया था सेम चीज यहां पे करेंगे लिखो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ तो इसमें अगर मैं बोल रही हूं फॉलोज़ एक्सपोनेंशियल लैमडा तो मेमोरी लेस प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को याद है एक्स ग्रेटर दैन एक्स प्लस एन गिव इन एक्स इज ग्रेटर दैन एन कर रहे थे विच इज इक्वल टू दिस अगर ये चीज अगर ये चीज़ है तो ये मेमोरी लेस है याद है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था हमने तो ये हमें प्रूफ करना है तो वी विल स्टार्ट विथ एल एच एस प्रूफ लिखो इधर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर दैन एक्स प्लस n गिव इन एक्स ग्रेटर दैन एन इज इक्वल टू क्या होगा प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर दैन एन एक बी वाला फॉर्मूला एक बी वाला फार्मूला अब देखो एक बार यहाँ ध्यान दो हम बोल रहे हैं एक बार यहाँ ध्यान दो हम बोल रहे हैं ये एक्स है और ये एक्स प्लस एन है ये एन है और ये एक्स प्लस एन है एक्स इज पॉजिटिव क्योंकि एक्सपोनशियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव नंबर नो Probability this being greater and probability this being greater ये आपका intersection वाला point हुआ yes or no बोलो सो जाएगा अलग रहे योग ठीक है मैम exponential थ्री कैसे आया आंचल अभी तो मैंने समझाया था कि ये आया कहीं से नहीं ये हम लोग रूल ऑफ थर्म लेते हैं कि अगर आपका अराइवल इज मॉडल तो वेटिंग मॉडलिंग पॉइजन वेटिंग टाइम विल बी मॉडलिंग एक्सपोनेंशियल विद इट क्लियर बोलो ये yes सोचल no, अब ये वाला का हम लोग क्या लिख देंगे ऊपर में ये मैंने लिख दिया ग्रेटर देन एक्स क्योंकि यही तो आपको इंटरसेक्शन पार्ट है आपको इंटरसेक्शन पार्ट निकालना होता है ना और दोनों का हम लोग ने ऊपर में निकाला है ई टू दा माइनस लैमडा एक्स प्लस एन ई टू दा माइनस लैमडा एन कैंसिल आउट ओके ई टू दा माइनस लैमडा एक्स आ गया विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एक्स हेंस प्रूफ मतलब सुन लो एक बार मेमरी लेस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझो मेमरी लेस प्रॉपर्टी मैं बोल रही हूं प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन एन गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन गिवन है कि इससे तो बड़ा है प्रोबेबिलिटी निकालो इट इज आल्सो ग्रेटर देन प्लस तो यहां हम लोग बोल रहे हैं ना फर्क नहीं पड़ता कि पिछले बार क्या हुआ है हमें फर्क नहीं पड़ता पिछले बार क्या हुआ है आप स्ट्रेट अवे ग्रेटर देन एक्स निकाल सकते हो इज दिस क्लियर इसका ये मतलब भी ऐसे भी बोल सकते हैं सुनो ध्यान से सुनना ठीक है सब लोग ध्यान से सुनोगे मैं बोलूंगी मैंने दस मिनट तक वेट किया अभी तक एक भी कॉल नहीं आया सो माई वेटिंग टाइम इज ग्रेटर देन टेन मिनट्स वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट माई टोटल वेटिंग टाइम विल बी ग्रेटर देन ट्वेंटी मिनट्स इसका क्या मीनिंग हुआ कि दस मिनट आपने ऑलरेडी वेट कर लिया अब आप यहाँ खड़े हो मतलब मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो प्रोबेबिलिटी सुन लो दस मिनट मैंने ऑलरेडी वेट कर लिया है एंड मैं यहाँ खड़ी हूँ वॉट इज द टोटल व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट माई टोटल वेटिंग टाइम विल बी ग्रेटर दैन ट्वेंटी मिनट्स मतलब अभी मैं खड़ी हूँ टेन मिनट्स ऑलरेडी मैंने वेट कर दिया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि मैं और टेन मिनट्स मिनिमम वेट करूँ तो अभी तक से क्या हुआ फर्क नहीं पड़ रहा इस केस में आप लोग सिंपली प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन टेन मिनट्स निकाल सकते हो अभी और टेन मिनट्स वेट किया पिछली बार उससे फर्क नहीं पड़ता अभी तो यहां खड़े हैं मिनिमम और टेन हमें वेट करना तो आपको मिनिमम ये निकालना है कि एक्स शुड बी ग्रेटर दैन टेन मिनट्स इज दिस क्लियर टू ऑल दिस इज मेमोरी लेस प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अब हमने क्या लिखा था कि एक्सपोनेंशियल इज अ स्पेशल केस ऑफ गामा विट अल्फा वन तो अगर अल्फा थ्री है तो हम लोग बोल सकते हैं तीन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड करके हम लोग का गामा आएगा येस और नो ठीक है तो लिख लो नोट लिखो अगामा वेरिएबल ये वाला भी बना लेना ये जो मैंने ये इंसान वाला बनाया अगामा वेरिएबल विथ पैरामीटर अल्फा इक्वल टू के अगामा वेरिएबल विथ पैरामीटर अल्फा इक्वल्स टू के एंड लैमडा can be expressed as can be expressed as sum of k exponential variables sum of k exponential variables each with parameter lambda each with parameter lambda क्लियर है तो आप लोगों ने क्या पढ़ा एक्सपोनेंशियल इज वॉट वेटिंग टाइम बिटवीन टू अगर हम बोले गामा एल्फा कॉमा लैमडा तो इस गामा वेटिंग टाइम बिटवीन द हैपनिंग ऑफ द जीरो एथ इवेंट मतलब अभी तक हुआ नहीं एंड द के एथ इवेंट इज़ नॉट सिमिलर क्योंकि आप क्या बोल रहे हो दिस इज सिमिलर एज सेंग की एक्सपोनेंशियल लैमडा के एल्फ़ा टाइम्स अल्फा टाइम्स एक्सपोनेंशियल लैम्डा को ऐड करके आपका गामा आ रहा है ना यस और नो यस और नो तो ये क्या था एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉल्स सो गामा अल्फा गामा लैम्डा इज द वेटिंग टाइम बिटवीन द जीरो एथ कॉल मतलब नहीं आया एंड द अल्फा एथ कॉल क्योंकि ऐड कर दिया आपने एक्सपोनेंशियल को अल्फ़ा टाइम्स ऐड किया और ईच एक्सपोनेंशियल इज़ वेटिंग टाइम बिटवीन कन्जिक्यूटिवली तो अल्फ़ा टाइम्स ऐड किया मतलब आप अल्फाइथ कॉल पे जा रहे हो मतलब अगर मैं बोलूँ सपोज़ अल्फा इक्वल्स टू थ्री है वेटिंग टाइम बिटवीन जीरो एंड वन कॉल वेटिंग टाइम बिटवीन वेटिंग टाइम बिटवीन जीरो एंड वन कॉल वेटिंग टाइम बिटवीन वन एंड सेकेंड कॉल वेटिंग टाइम बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कॉल और यही अगर मैं ये गामा बोल दूँ, विच इज वेटिंग टाइम बिटवीन जीरो एंड थर्ड कॉल ये पूरा चीज बना लो नेक्स्ट क्लास में इसका आप लोग करना स्टार्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्लास इस पर और करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द अदर डिस्ट्रीब्यूशंस वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये अगर आप लोग भूल जाओगे सी एस टू में यही यूज़ करते हैं लेस प्रॉपर्टी ये सब ऐसे ही यूज़ करते हैं है. आप लोग ये सब बना लो डायग्राम्स ट्रस्ट मी कंफ्यूज हो जाओगे अगर ये डायग्राम नहीं बनाओगा कॉपी में बाय बाय थैंक यू